हेलो एवरीवन जय श्री राम आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके प्यारे से विमन चैनल पर आशा है उम्मीद है कि आप सब एकदम अच्छे होंगे तैयारी एकदम अच्छी चल रही होगी और आज हम ऑलरेडी लेट है आ, स्ट्रीम की वगैरह से बच्चा आ, इसकी वजह से शैलेश राज प्रिंस फरान शिवानी रिंकू गुरमीत सभी को राम राम सभी को गुड इवनिंग और लेट होने की वजह से बच्चा बिना किसी देरी के अपने पहले सवाल पे चलते हैं चलिए क्वेश्चन का आंसर करिए उससे पहले बच्चा आप सबके सामने आ, यूपी पुलिस के लिए जो अभी पंद्रह तारीख तक आपका क्या है बच्चा टाइम टेबल है वो इस तरीके से है कि सुबह सात बजे करंट अफेयर होता है चार बजे आपका जीके के जी प्लस स्टैटिक छः बजे स्वाति मैम की रीजनिंग आठ बजे मैथ्स और दस बजे आपका हिंदी का क्लास है अब पहला सवाल आप सबके सामने है देखिए जवाब दीजिए और सभी को मेरा प्रणाम ठीक है सभी को हाय सभी को हेलो एक बार बस फटाफट से आ, क्लास को आप शेयर भी कर देना अनु थैंक यू सो मच और शायद मैं आपको जानती हूँ <laughs> आपसे बात हो रखी है मुझे जो लग रहा है है ना अच्छा चैतगिरी विहार सांची में मनाया जाने वाला एक डैश पर्व है सबसे पहला सवाल आप सबके सामने यहाँ पर हाजिर है आ, एक तरह से आपके मिक्स्ड क्वेश्चन है इसमें बच्चा स्टैटिक भी है आपका हिस्ट्री भी है थोड़ा पॉलिटी भी है गुरमी अरे वाह हाँ हर मंगलवार जाते हैं वहां पे है ना बहुत बढ़िया बच्चा चैत्यागिरी आपका क्या है बच्चा एक आपका सांची में मनाया जाने वाला क्या है ये एक बौद्ध त्योहार है ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा अच्छा जो सांची स्तूप है सांची सांची के जो स्तूप है वो आप सबको पता है हमारी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर शामिल है जो की आज के टाइम पर आपके बयालीस हो चुके हैं अच्छा सांची को कब एड किया गया था जल, जल्दी से बताइए सांची स्तूप का निर्माण किस धर्म से वो रिलेटेड है बौद्ध धर्म से किसने करवाया था अशोक के द्वारा का निर्माण करवाया गया था साची शहर एक सवाल आता है कि 600 सालों तक यह विलुप्त रहने के बाद ठीक ठीक है है इसको किसके है, किसके इसको किसके किसके द्वारा द्वारा खोजा गया था तो 1818 में बचा जनरल टेलर के द्वारा किसके द्वारा जनरल टेलर के द्वारा जनरल टेलर के द्वारा 1818 में सांची शहर को जो है वो आपका खोजा गया था अब आप मुझे बताइए सांची स्तूपों को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब शामिल किया गया तो आपका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर मैम नाइनटीन में नाइनटीन में इनको शामिल किया गया था ठीक है अगला सवाल नेक्स्ट आपका इनमें से कौन सा उड़ीसा का एक लोकप्रिय त्यौहार है इनमें से कौन सा उड़ीसा का एक लोकप्रिय त्यौहार है आ, होला मोहल्ला धनु यात्रा आ, ये क्या या फिर गुड़ी पड़वा देखो बच्चा गुड़ी पड़वा एक नववर्ष त्योहार है महाराष्ट्र का और आपका गोवा में भी मनाया जाता है होला मोहल्ला आपका कहाँ का हो जाएगा पंजाब का हो जाएगा है ना होला मोहल्ला कहाँ का त्यौहार है बच्चा आपका एक पंजाब का त्यौहार है अपना जो सही जवाब हो जाएगा रथ यात्रा धनु यात्रा नुआखाई फेस्टिवल दलखाई फेस्टिवल ये आपके कहाँ के है ये आपके उड़ीसा के त्यौहार है ठीक है उड़ीसा के त्यौहार ही आपके हो जाएंगे और त्रिवोनम आपका कहाँ पर हो जाएगा बच्चा ये आपका केरल का फेस्टिवल है केरल केरल ठीक है केरल इज द राइट आंसर तो बी अपना सही जवाब हो गया अगले पे चलते हैं लोक रंगमंच रंगमले ठीक है लोक रंगमंच रंगमले जो है वो पारंपरिक रूप से किस राज्य से संबंधित है झारखंड से पश्चिम बंगाल से गोवा से या फिर आपका छत्तीसगढ़ से जल्दी से बताइए हाँ देखो फास्ट फास्ट वो करेंगे बच्चा अपने क्वेश्चन क्योंकि आज जो है हमारी माता श्री जा रही है अयोध्या ठीक है राम मंदिर और उनको निकलना है जस्ट आपका पौने पांच के से पांच के बीच में तो उससे पहले पहले अपने सारे क्वेश्चन हमें खत्म करने हैं एंड फिर उनकी तैयारी थोड़ी सी करनी है ना चलो तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा वेस्ट बंगाल क्या बचा रंगमाले नहीं ये आपका गोवा का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा ठीक है अगला सवाल आपके सामने यहाँ पर क्या है इनमें से कौन सा राजस्थान का नृत्य है इनमें से कौन सा राजस्थान का नृत्य है घूमर राजस्थान का है कच्ची घोड़ी कालबेलिया या फिर आपका कटपुतली नृत्य आपका पूछा हुआ है बच्चा ठीक है आपका डांस पूछा हुआ है इसलिए आपको कंफ्यूज मत हो जाना ठीक है कंफ्यूज़ बिल्कुल नहीं होना <laughs> ठीक तो है तो राजस्थान का लोक नृत्य ना कि आपके जो कालबेलिया किसके द्वारा किया जाता है ट्राइब्स के द्वारा किया जाता है वो एक ट्राइबल है आपका घूमर यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ठीक है घूमर यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गरबा जो है गुजरात का है गरबा गुजरात का है और यहाँ पर कालबेलिया को दो में आपका यूनेस्को की अमूर्त श्रेणी में भी आपका एड किया गया था ठीक है बाकी ये सारे के सारे कहा के है बच्चा है ये राजस्थान के ही है ना अगला सवाल आप सबके सामने है एक छाया कटपुतली थिएटर परंपरा थोलू बमलता ठीक है थोलू बमलता किस राज्य से संबंधित है जैसे राजस्थान में जो कठपुतली रंगमंच होता है उसको कठपुतली ही बोलते हैं लेकिन इसी बच्चा क्रिया को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है तो आपको बताना है थोलू बोमलता किस राज्य से संबंधित है महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश कर्नाटका या आपका केरला आ, नहीं नहीं फरहान हम नहीं है भैया जाने की हालत में सच बताए तो बट हाँ अभी काफ़ी ठीक है हमारा कमर का दर्द ऊपर वाले की दया से चलो बताइए जल्दी से होलू और बोमलता सी आंसर दे रहे कर्नाटका नहीं बचा इसका जवाब हो जाएगा आंध्र प्रदेश ठीक है आंध्र प्रदेश जहां का एक शास्त्रीय नृत्य भी है ठीक है एक शास्त्रीय नृत्य आपका जरूर आएगा कुचिपुड़ी ठीक है आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य आपका कुचिपुड़ी है कर्नाटक का फेस्टिवल याद रख लेना उगादी बहुत पूछा जा रहा है उगादी हो गया कमसाले डांस हो गया यहाँ का ठीक है उसके अलावा वीरगा हो गया ढोलू कुनीथा हो गया ये आपके सारे कर्नाटक से रिलेट करते हैं अगला सवाल है इनमें से किस नृत्य शैली में मार्शल आर्ट प्रथाओं से ली गई है इनमें से कौन सी नृत्य शैली मार्शल आर्ट प्रथाओं से ली गई है घूमर भरतनाट्यम छोरा छौरी या फिर झोरा ठीक है तो बच्चा देखो भरतनाट्यम तो एक भगवान को समर्पित मंदिरों को समर्पित एक शास्त्रीय नृत्य है तमिलनाडु का मिलनाडु का इसमें कहाँ तलवारों का यूज करेंगे कहाँ इसको हम आ, ये कहिए तो मार्शल आर्ट डांस के रूप में रखेंगे आपका घूमर राजस्थान का डांस है ठीक है राजस्थान का लोक नृत्य है छऊ डांस जो है वो आपका झारखंड उड़ीसा यहाँ का ये मार्शल आर्ट डांस है ठीक है जैसे गतका आपका है ना गतका आपका पंजाब का होता है है ना गतका पंजाब का होता है आ, उसके अलावा और क्या बच्चा आ, कलारी पट्टू ठीक है कलारी पट्टू आपका कहाँ का होता है मार्शल आर्ट केरल का होता है थांगटा आपका मणिपुर का है थांगटा कहाँ का है मणिपुर का है तो आपका छऊ डांस और ये आपका नोवा क्लासिकल डांस भी है नोवा क्लासिकल डांस भी है लेकिन इसको संगीत नाटक एकेडमी ने मान्यता नहीं दी है इसको मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने आपका मान्यता प्राप्त करी है चलो अगला सवाल आप सबके सामने है अगला है आ, एंथूरियम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है एंथूरियम त्योहार जो है वो किस राज्य में मनाया जाता है थैंक यू फरहान और मुझे लगता है शायद इसी वजह से इतना जल्दी ठीक हो गया क्योंकि आ, मेरी मदर को भी सेम ऐसे ही हुआ था वो बोल रही थी उनका खैर बोल क्या रही थी हमने तो देखा है एक महीने में जाकर ठीक हुई थी वो तो अपना तो आज चौथा ही दिन है चलो बताइए जल्दी से एंथ्यूरियम त्यौहार बच्चा ये आपका जो चाप चार त्योहार होता है उसी को बोला जाता है और ये मिजोराम में मनाया जाता है कहाँ पे मनाया जाता है मिजोराम इसका सही जवाब हो जाएगा किरण देसाई ने इनमें से कौन सी बुक लिखी है अगला सवाल है किरण देसाई ने इनमें से कौन सी बुक जो है वो आपकी लिखी है जल्दी से बताइए फटाफट से आंसर दो और क्लास को बच्चा शेयर भी करना जो नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे गुरमीत मैम इस टाइम पर काफी डर लग रहा है वैसे वजह तो डर तो लगता है हमेशा आ, इतनी बड़ी भर्ती आई है पता है आगे आने के चांस जो है वो बिल्कुल आपका जीरो पॉइंट वन परसेंट भी नहीं है तो कई बार होता है ना कि बस यही है वरना आपका टाइम निकल जाएगा तो डर तो हमेशा लगता है और डर लगना अच्छी बात भी है इतना बेफिक्र भी नहीं होना चाहिए तो डर लग रहा है तो सही है किरण देसाई ने द इंटरप्रेटर ऑफ मेलेडीज नो द इनहेरिटेंस ऑफ लोस द गोड ऑफ स्मॉल थिंग्स द ग्लास पैलेस बच्चा बी ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा द गोड ऑफ स्मॉल थिंग्स है अरुंधति रोय की किसकी अरुण धती रोय की ठीक है द गोड ऑफ स्मॉल थिंग्स अरुंधति रोय की है बच्चा अगला सवाल अगले सवाल पे चलते हैं आ, भीम यूपीआई के संदर्भ में भीम में जो आई है इसका नाम क्या है आपको बताया ना फ्रांस ने यूपीआई को एक्सेप्ट कर लिया है अभी जो 26 जनवरी पे वो आए थे यहाँ पर मेहमान बनके तो एक गिफ्ट के तौर पर उन्होंने यूपीआई को एक्सेप्ट कर लिया है तो भीम यूपीआई में भीम का शाब्दी करता आपका क्या है आइडेंटिटी इंटरफेस इंटरफेस या फिर इंश्योरेंस या इंटरफेयर ठीक है बच्चा इंटरफेयर जल्दी से बताइए भीम यूपीआई में तो भीम के अंदर जो आई है बच्चा वो आपका उसका मतलब क्या है क्या हो जाएगा भारत इंटरफेस फॉर मनी येस और नो बी एच भारत आई फॉर इंटरफेस एम फॉर मनी ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा अगले सवाल पे चलते हैं इनमें से कौन भारत रत्न पुरस्कार कर, प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे तो जो पहले भारतीय थे बच्चा आइडेंटिटी आई, आई का इसका मतलब पूछा है आई का ना नहीं आपका इंटरफेस हो जाएगा ठीक है नोट आइडेंटिटी बच्चा चलो अगला सवाल आप सबके तो सामने है पहले भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले सीवी रमन पुरुषोत्तम दास टंडन आ, आ, उस, आ, एम विश्वेश्वरैया या फिर आपके पांडुरन वामन केन पीवी केन बच्चा जल्दी से बताइए तो देखो 1954 में 19 सॉरी देखो 1954 में भारत रत्न की शुरुआत हुई थी क्या भारत रत्न में कोई राशि दी जाती है क्या भारत रत्न में कोई राशि जो है वो बच्चा दी जाती है कोई राशि नहीं दी जाती ठीक है कोई राशि नहीं दी जाती अब देखो जैसे लास्ट जो भारत रत्न गया था बच्चा वो आपका 2019 में वितरित किया गया था अब दो में अब दो में कई बार वो बूढ़ो वाली फीलिंग आती है पे हाथ लगा के अब 2024 में एक तो बच्चा जल्दी से बताइए एक तो लाल कृष्ण आडवाणी लाल कृष्ण आडवाणी इनको भारत रत्न दिया जाएगा ठीक है घोषणा हो चुकी है और एक आपके और कुछ दिन पहले घोषणा की गई थी भारत रत्न देने की बिहार के दो बार पूर्व मुख्यमंत्री जल्दी से बताइए क्या नाम है जल्दी से बताइए क्या नाम है 1954 में शुरू किया गया था और 1954 में तीन लोगों को मिला था सी राजगोपालचारी ठीक है टीवी रमन सी वी रमन और डॉक्टर राधा कृष्णन राधा कृष्णन अब जल्दी से बताइए करपुरी ठाकुर वेरी गुड बच्चा ठीक है यहां पर लिख लो करपुरी ठाकुर करपुरी ठाकुर कर्पूरी ठाकुर को आ, शायद 24 जनवरी को उनका बर्थडे था और उस पर यह घोषणा करी थी है ना 24 जनवरी वाले दिन अगला सवाल आपके सामने किस भारतीय क्रिकेट अच्छा अपना जवाब तो देख लो अपना जवाब अच्छा यहाँ पर सी वी रमन हो जाएगा जो नोबल पुरस्कार विजेता भी है नाइनटीन के किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेले है किस भारतीय खिलाड़ी ने सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच जो है वो आपके खेले हैं ये तो इजी है कौन से नंबर के सीएम थे कौन बच्चा तो नंबर नहीं मुझे अभी ध्यान है दो बार सीएम रहे हैं एक बार उप सीएम रहे हैं और शायद मेरे हिसाब से बच्चा 1952 में आपके ये बने थे शायद मे भी पहले ही हो बट एक बार देख जरूर लेना ठीक है या फिर मैं कल आपको देखकर बता दूंगी क्योंकि मैंने इसमें कोई शो नहीं बनाया इसलिए मैंने बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाया अभी सचिन तेंदुलकर ऑप्शन नंबर सी आपका सचिन तेंदुलकर अच्छा सचिन तेंदुलकर की वनडे फोर्टी नाइन्थ सेंचुरी का रिकॉर्ड किसने तोड़ा है रिकॉर्ड किसने तोड़ा है बच्चा तो ये जो रिकॉर्ड तोड़ा है वो विराट कोहली ने तोड़ा है ठीक है विराट कोहली ने तोड़ा है सचिन की अभी वर्ल्ड कप में वर्ल्ड कप में उनके एक स्टैचू को उनके एक स्टैचू को आपका बच्चा कहां पर प्लेस किया गया है कहां पर प्लेस किया गया है जल्दी से बताइए कहां पर प्लेस आपका किया गया है ठीक है एक बार देख जरूर लेना मेरे को ध्यान जितना है है बच्चा 1952 है, मैं एक बार देख लेती हूँ बता के बता देती हूँ आपको कोई नहीं आ... ये वही है ना जिन्होंने इंग्लिश का जो माध्यम है उसको बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दी थी थोड़ा बहुत बढ़ा हुआ है मैंने सीएम नहीं 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 एलेवेंथ चीफ मिनिस्टर इसमें लिखा हुआ है आ, सत्तर से इकहत्तर एंड फिर सतहत्तर से सेवेंटी नाइन बचा ये आपका सही हो जाएगा ठीक है सत्तर में नाइनटीन सेवेंटी में तो आप लिख लो जो भी आप में से लिख रहा है इसको Uh, कहां पर किया गया बच्चा मुंबई के मुंबई में मुंबई अच्छा नाम तो बताइए आपका क्या था मुंबई का कौन सा स्टेडियम स्टेडियम का नाम तो बताइए स्टेडियम मुंबई में ठीक है अगला सवाल है प्रख्यांगना सोवना नारायण का संबंध किस नृत्य शैली से है तो बच्चा सोवना नारायण का संबंध आपका कथक से है किससे है सोवना नारायण का संबंध आपका कथक से हाँ सचिन का सवाल था बच्चा सचिन का सवाल और हमने अभी भारत रत्न के बारे में बोला है तो सचिन जो है वो भारत रत्न पाने वाले 2014 में सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं, सबसे कम उम्र के आपके पर्सन है इंडिविजुअल है ये भी चीज ध्यान रखना कई बार इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछ लेते हैं अगला सवाल है चुरही मांडेली और किंथाली इनमें से किस राज्य में बोली जाने वाली आपकी बोलियां हैं? इनमें से किस राज्य में बोली जाने वाली आपकी शोभना नारायण बोलिया है तो बचा ये आपका मांडोली जो बोली जाती है वो आपके हिमाचल प्रदेश में बोली जाती है कहाँ पर बोली जाती है हिमाचल प्रदेश में बोली जाती है ठीक है ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा अगला है एमनेस्टी नामक बुक के लेखक आपके कौन है एमनेस्टी नामक जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है विक्रम सेठ शशि थरूर अरविंद डीगा या अमीश त्रिपाठी जल्दी से बताइए एमनेस्टी आ, विक्रम सेठ विक्रम सेठ की एक बुक है बच्चा असुटेबल बॉय असूटेबल बॉय और वही करण जौहर की करण जौहर की एन अनसुटेबल बॉय अनसुटेबल बॉय बॉय शशि थरूर की तो बहुत सारी है बच्चा ठीक है अः यहाँ पर अपना सही जवाब हो जाएगा अरविंद अडीगा ठीक है ऑप्शन नंबर सी आ, जिनका एक वाइट टाइगर बहुत पूछा जाता है वाइट टाइगर है ना वाइट टाइगर और एक बच्चा सिलेक्शन डे सेलेक्शन डे ये बुक्स भी आपकी इन्हीं के द्वारा लिखी हुई है अगला सवाल आपके सामने है घेरिया नृत्य इनमें से किस राज्य का अनसुटेबल बॉय वेरी गुड प्रिंस बहुत बढ़िया घेरिया नृत्य आपका एन आएगा ना अनसुटेबल में अनसु अगर हम लगाना चाहे क्योंकि उसका उच्चारण कैसे हो रहा है आपका स्वर से हो रहा है आ, तो यहां पर घेरिया नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है पंजाब हरियाणा महाराष्ट्र या फिर आपका गुजरात महाराष्ट्र का याद करके जाना आपका लाजिम है ना लाजिम तमाशा बहुत इंपॉर्टेंट है ये बच्चा घेरिया है गुजरात का ठीक है गुजरात का गरबा अभी आपकी पंद्रह अमूर्त अमूर्त यूनेस्को की आपकी सूची में शामिल हुआ है इसके अलावा गुजरात में है टिप्पणी ठीक है गुजरात का है लास्य लास्य ठीक है बच्चा ये आपके कुछ गुजरात के हैं ध्यान रखना अगला सवाल मेघालय का लोकप्रिय पारंपरिक नृत्य त्योहार साध सुख साध सुख जो है आपका के रूप में मनाया जाता है ये किसी जन्म उत्सव पर धन्यवाद समारोह पर सामुदायिक विवाह उत्सव पर या फिर जब हार्वेस्ट फेस्टिवल जैसे नुआखाई हो गया ठीक है बच्चा अः ओणम हो गया उसके अलावा आपका पोंगल हो गया आ, या फिर आपका क्या माने इसको पंजाब में कौन सा होता है फसल फेस्टिवल रे क्या बोलते हैं बच्चों उसको जो आता है ये चलो तो याद आएगा ठीक है या फिर आपका ये हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है जल्दी से बताइए मोनी क्या बताओ मेघालय का जो आपका साधु सुख है वो आपका कैसा एक त्योहार है तो कैसे मनाया जाता है बच्चा ये आपका ये आपका जन्मोत्सव का एक त्यौहार है ठीक है कैसा त्यौहार है जन्मोत्सव का एक आपका त्यौहार है जन्मोत्सव का त्यौहार है ना नहीं, बैसाखी तो बच्चा बैसाखी तो अब आता है बैसाखी तो पंजाब का नववर्ष त्योहार है एक यस yes, ये मैम आपका हार्वेस्ट फेस्टिवल है ठीक है ये आपका कैसा फेस्टिवल है हार्वेस्ट फेस्टिवल है आपका स्प्रिंग सीजन में मनाया जाता है रेणुका आर्द्र भूमि नामक आ, स्थान जो है ये किस राज्य के अंदर स्थित है जो रेणुका वेटलैंड है देखो दो है एक रेणुका वेटलैंड है और वेटलैंड से भी बच्चा आपका यहाँ पर करंट अफेयर बन सकता है क्योंकि अपने पास सेवेंटी फाइव वेटलैंड थे पांच वेटलैंड जिसमें से तीन कर्नाटका के और दो तमिलनाडु के तीन कर्नाटका के और दो तमिलनाडु के आपके ऐड किए गए हैं और अब अपने पास टोटल कितनी साइट हो गई है अस्सी रामसर साइट हो गई है रेणुका वेटलैंड आपकी हिमाचल प्रदेश में है अपनी भारत की सबसे छोटी अपनी भारत की सबसे छोटी वेटलैंड साइट है उसके अलावा बच्चा यहाँ पर आपका एक रेणुका डैम भी है रेणुका डैम रेणुका डैम अगर पूछ ले वो कहाँ पर है तो वो आपका कर्नाटका में हो जाएगा कहां पर हो जाएगा कर्नाटका में वो आपका हो जाएगा चलो अगला सवाल इनमें से कौन सा राजस्थान का राजकीय पक्षी है इनमें से कौन सा राजस्थान का राजकीय पक्षी है जल्दी से बताइए इनमें से कौन सा राजस्थान का राजकीय पक्षी है भारतीय रोलर एशियाई कोयल आ, सोन चिड़िया या फिर आपका सो क्रेन बच्चा सारस यानी कि क्रेन आपका डी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा ठीक है अरे सॉरी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ऑप्शन आपका ठीक है सारस नहीं है सारस आपका यूपी के आजकल यूपी का खुमार चढ़ा हुआ है ना आपका ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आपका यहां पर सही जवाब हो जाएगा ठीक है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अगला है इनमें से कौन सा महाराष्ट्र का राज, राज्य राज्य वृक्ष है? स्टेट ट्री यूपी का स्टेट ट्री पूछे तो आप क्या जवाब दोगे बच्चा जल्दी से बताइए महाराष्ट्र का है बरगद जमी आम या फिर अशोक देखो आपका जो यहाँ पर बनियान है वो तो हमारे देश का देश का राष्ट्रीय राष्ट्रीय वृक्ष है यानी कि ट्री है ठीक है जमी आम या अशोक क्या हो जाएगा महाराष्ट्र का महाराष्ट्र का राष्ट्रीय वृक्ष तो बच्चा आम हो जाएगा मैंगो ट्री ठीक है अशोक का पेड़ आपका किसका है अशोक यूपी का है वेरी गुड अशोका का पेड़ ठीक है अगला सवाल अगला है अगर फूल के बारे में पूछेंगे तो वो पलाश हो जाएगा यूपी का इनमें से कौन निशानेबाजी के एक अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी है मंजू रानी अंजुम मुदगिल और सरिता देवी या फिर आपको हो जमुना बोरो निशानेबाजी में जैसे मेरठ के सौरभ चौधरी है बच्चा ठीक है मनु भाकर है तो इनमें वो ऑप्शन तो है नहीं एक, एक सेकेंड में इसको स्किप कर दू ठीक है तो आपका यहां पे सही क्या हो जाएगा अंजुम मुदगिल इन चारों ऑप्शन का सही जवाब श्री वेली पुतूर हाथी अभ्यारण्य किस राज्य में आपका स्थित है श्री वेली पुतूर हाथी अभ्यारण आपका कर्नाटक तेलंगाना तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश भारत में सबसे ज्यादा हाथियों की संख्या कर्नाटका में ठीक है किस राज्य में है आपका कर्नाटक में है और बच्चा ये आपका कहां पर हो जाएगा तमिलनाडु में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब ठीक है कर्नाटक में आपका सबसे ज्यादा आती है और जो कर्नाटक का दांदेली है ना बच्चा दांदेली हाथी अभ्यारण वहाँ पर संख्या सबसे ज्यादा है सिक्किम का इनमें से कौन सा समुदाय पारंपरिक रूप से आपका जो सुफाट नृत्य है उससे जुड़ा हुआ है ठीक है आपकी कौन सी जनजाति तमांग लेपचा भूटिया या फिर आपकी नेपाली फटाफट से चार ऑप्शन है आपके पास जवाब दीजिए तो क्या हो जाएगा मैम ये सिक्किम की जो लेपचा जनजाति है उनके द्वारा किया जाता है बी आंसर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा इनमें से कौन सा एक प्रसिद्ध संतूर वादक है पंडित रविशंकर बच्चा गलत हो जाएंगे एक तो ये भारत रत्न ठीक है और हाँ एक और न्यूज ठीक है भारत रत्न है हमारे नाइनटीन के ये एक सितार वादक है सितार वादक है बहुत ही फेमस ठीक है सितार वादक है उसके अलावा और आपका हाँ पांच बार ग्रैमी अवार्ड पांच बार आपका ग्रैमी अवार्ड विजेता है और ध्यान रखना जो ये जाकिर हुसैन है ना आपका तबला वादक है बच्चा तबला वादक है और इन्होंने तीन ग्रैमी दो का जो आपका ग्रैमी अवार्ड हुआ है तीन ग्रैमी इनको मिले हैं क्या मिले हैं तीन ग्रैमी अवार्ड इनको मिले हैं 2023 में 2023 में बच्चा पद्म विभूषण इनको मिला है पदम विभूषण आपका इनको मिला है ठीक है ये चीज ध्यान रखना 2022 में आपका इनको जापान का कोई आ, क्या मिला था शायद क्योटो पुरस्कार इनको मिला था जापान का ये चीज भी ध्यान रखना पंडित शिव कुमार शर्मा उस्ताद बिस्मिल्ला खान एक शहनाई वादक शहनाई वादक और अपना सही जवाब पंडित शिव कुमार शर्मा ठीक है ऑप्शन नंबर सी इनमें से कौन सा लाला लाजपत राय के लेखनों में से एक नहीं है आर्य समाज द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन अनहैप्पी इंडिया या इंडिया विंस फ्रीडम तो क्या हो जाएगा बच्चा मैम इंडिया विंस फ्रीडम इन्होंने नहीं अबुल कलाम आजाद ने लिखी है ठीक है अबुल आ, कलाम आजाद के द्वारा आपकी लिखी गई है अगला सिक्किम में मनाया जाने वाला एक त्योहार ठीक है दुर्गपा तेजी इनमें से किस व्यक्ति से संबंधित है महावीर स्वामी भगवान बुद्ध भगवान कृष्ण या भगवान राम जल्दी से बताइए अबुल कलाम आजाद ठीक है वेरी गुड चलो तो क्या हो जाएगा बच्चा भगवान बुद्ध ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिजोरम के पारंपरिक बांस नृत्य को क्या कहा जाता है मिजोरम के पारंपरिक बांस नृत्य को क्या कहा जाता है माच यक्षाम चेराव या फिर आपका थांगटा तो क्या हो जाएगा बच्चा इसको बोला जाता है चेराव क्या कहा जाता है सी ऑप्शन आपका चेराव अगल, अगला सवाल है ऑफ सेलिब्रेटिंग द महात्मा द साउथ अफ्रीकन लेगेसी नामक पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है भगवान बुद्ध वेरी गुड 150 फिफ्टी ईयर्स ऑफ सेलिब्रेटिंग द महात्मा द साउथ अफ्रीकन लेगेसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है फकीर हसन डेनियर वुडरेल रेल फरीज अकारिया फेडरिक ट्यूटेन बचा क्या आपका यहाँ पर सही जवाब होगा आंसर uh, नहीं जी ए ऑप्शन हो जाएगा फकीर फकीर हसन हसन ठीक है शिमला में स्थित संस्कृति एवं सभ्यता अध्ययन केंद्र का नाम क्या है वट इज द नेम ऑफ द सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ कल्चरल एंड सिविलाइजेशन लोकेटेड इन शिमला टैगोर सेंटर नेहरू सेंटर अब्दुल कलाम सेंटर या इंटरनेशनल सेंटर जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा द टैगोर सेंटर तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा बच्चा जो टैगोर साहब का घर था शांति निकेतन उसको इकतालीसवीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया गया है याद रखना अब वुमेन इज नो मैन अ वुमेन इज नो मैन नामक पुस्तक जो है वो आपकी किसने लिखी है ठीक है अ वुमेन इज नो मैन मार्गरेट एडवर्ड जोखा अलार्थी एंड्रूसिन या फिर आपका एथफ रम तो बच्चा इसका सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन एथफ रम भारत का राष्ट्रीय ध्रोवर पशु निम्नलिखित में से कौन सा है तो अपना जो बच्चा राष्ट्रीय पशु है वो सी ऑप्शन है बाघ ठीक है द एंड ऑफ इमेजिनेशन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है द एंड ऑफ इमेजिनेशन नामक बुक जुम्पा लहरी ठीक है ये लहरी है बच्चा उसमें हिंदी में इस तरह के लिखा हुआ है सुधा मूर्ति, अरुंधति रोय या फिर आपके किरण देसाई द एंड ऑफ इमेजिनेशन सुधा मूर्ति मैम की आजकल डोलर बहु बहुत पूछी जा रही है डोलर बहु है ना क्या था रे अच्छा हेरिटेज एनिमल ओहो सॉरी बच्चा भारत का हेरिटेज एनिमल चलो एक बार फिर से क्वेश्चन को वहां पर कंप्लीट करो ठीक है क्या हो जाएगा एलिफेंट सॉरी बच्चा मैंने हेरिटेज नहीं देखा मैंने बस यहाँ तक राष्ट्रीय पशु सिर्फ देखा ठीक है द एलिफेंट हो जाएगा एलिफेंट ठीक है बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा द एंड ऑफ इमेजिनेशन किसकी आपकी uh, लिखी गई बुक है द एंड ऑफ इमेजिनेशन अरुंधति रोय की ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा पुगुरुमा असम के बोडो समुदाय का एक अनुष्ठानिक जुलूस है लोक नृत्य है चित्रकला शैली है या स्थानीय खेल है तो बुगुरुमा क्या है बच्चा आपका एक फोक डांस है बुगुरुमा असम के लोगों का एक क्या है आपका लोक नृत्य है अगला सवाल आ, इमेजनरी होमलैंड नामक पुस्तक के लेखक एक्चुअली इधर से सेट नहीं बैठता उधर से क्वेश्चन थोड़े ज्यादा ही उधर रहते हैं तो वैसे सेटिंग नहीं बैठती है ना वो बोर्ड से फिर बाहर चले जाते हैं तो कल से क्वेश्चन उधर लिखवाने पड़ेंगे बी फोक डांस वेरी गुड आगे आगे है बच्चा इमेजनरी होमलैंड नामक पुस्तक के लेखक आपके कौन है तो बच्चा सलमान रुशदी है कहाँ लिखा हुआ है ये रहा ऑप्शन नंबर सी आपके सलमान रुशदी इसका सही जवाब हो जाएगा अगला सवाल है बालचो और सोरपोर्टल सो ठीक है सोपोर्टल एक पारंपरिक पाक व्यंजन है बालचो एंड सोरपोर्टल आर ट्रेडिशनली क्लीनेरी डिशेस ऑफ उत्तराखंड गोवा पंजाब या फिर आपका कर्नाटका <coughs> thank you thank you Vinay thank you तो किसका हो जाएगा कर्नाटक पंजाब गोवा या फिर आपका उत्तराखंड आंसर हो जाएगा गोवा बी आंसर बिल्कुल सही जवाब माथुरी लोक नृत्य इनमें से किस राज्य में किया जाता है माथुरी उत्तर प्रदेश हरियाणा उत्तराखंड या फिर आपका तेलंगाना तो बच्चा माथुरी लोक नृत्य है आपका तेलंगाना का बी ऑप्शन सही जवाब नरक दूतों और बुरी आत्माओं को भगाने के लिए मनाया जाने वाला त्यौहार मोपिन त्योहार ठीक है कौन सा त्यौहार है ये बच्चा मोपिन त्योहार जिसको मनाने का कारण जो बुरी आत्माएं है, जो नेगेटिव एनर्जी है उनको भगाने के लिए ये मनाया जाता है छत्तीसगढ़ में अरुणाचल प्रदेश में राजस्थान में या आपका केरला में और ऑप्शन से से आप एकदम बता सकते हो तब याद नहीं रहता क्या करें मैम प्रैक्टिस तो मोपिन कहाँ का है अरुणाचल प्रदेश का ठीक है अरुणाचल प्रदेश का एक चलो डांस भी है चलो ठीक है लाइन एंड पिकाग चलो नहीं चलो लाइन एंड पिकोक भी है लाइन एंड पिकोक डांस अगला बींग गांधी शीर्षक पुस्तक जो है वो आपकी किसने लिखी है बींग गांधी बींग गांधी निरुपमा यादव पारो आनंद पट्टा भी राम ठीक है या फिर आशीष रे बींग गांधी बोर्डो बुलिया भी है वेरी गुड अनु तो निरुपमा यादव या पारो आनंद सही जवाब हो जाएगा बिंग गांधी लिखी गई है बच्चा पारो आनंद के द्वारा ठीक है ऑप्शन नंबर आपका बी यहां पर सही जवाब हो जाएगा विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे सेलिब्रेटेड थर्टीएथ मई फिफ्थ अगस्त बारह जुलाई या अठाईस जुलाई कब मनाया जाता है और इस साल अगर हम भारत की तरफ से देखें बच्चा तो एक साइंस डे सेलिब्रेट नहीं स्पेस डे स्पेस डे सेलिब्रेट किया गया है जल्दी से बताना कब आ, उसके अलावा हम 28 फेब को 28 फेब को क्या मनाते हैं आपका साइंस डे साइंस डे उन 30 जुलाई को 28 जुलाई लिखा है उनतीस जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है ना उनतीस सॉरी बाघ दिवस टाइगर डे नोट पॉपुलेशन डे टाइगर डे टाइगर डे और अपना जो सही जवाब होगा वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे ये आपका मनाया जाता है 28 जुलाई को ठीक है 28 जुलाई को इस बार हमने स्पेस डे को जो सेलिब्रेट किया है आ, वो किया है आपका 23 अगस्त को तेईस अगस्त को इस दिन क्या हुआ था इस दिन चंद्रयान थ्री ने सॉफ्ट लैंडिंग करी थी बच्चा सॉफ्ट लैंडिंग करी थी आपकी कहां पर चंद्रमा के चंद्रमा के साउथ पोल पर चंद्रमा के साउथ पोल पर और भारत पहला देश बन गया था उस जगह का नाम क्या रखा गया है शिव शक्ति पॉइंट रखा गया है उनतीस जुलाई को टाइगर डे बाणगंगा बाण गंगा महोत्सव का संबंध इनमें से किस राज्य से है बाण गंगा उत्तराखंड महाराष्ट्र पंजाब या फिर आपका सिक्किम बाण गंगा महोत्सव तेईस अगस्त वेरी गुड तो बाणगंगा महोत्सव बचा महाराष्ट्र के अंदर ठीक है महाराष्ट्र जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकेडमी इनमें से किस शहर में है तो जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकेडमी जो मणिपुर की राजधानी है देन की इम्फाल वहां पर स्थित है ठीक है बाकी में तो खैर मणिपुर से जुड़ा हुआ आंसर तक नहीं है तो आपका एक ही सवाल का जवाब होगा इम्फाल में है ठीक है अगला है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस वेन इज नेशनल हैंडलूम डे सेलिब्रेटेड ठीक है नेशनल हैंडलूम डे सेलिब्रेटेड 18 नवंबर को 15 सितंबर को 23 अगस्त देखो हमारा स्पेस डे हो ही गया है या फिर आपका 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे नेशनल हैंडलूम डे बताइए जल्दी से मैम बी बी में है पंद्रह सितंबर नहीं बच्चा प्रीति का आंसर सही है सात अगस्त को ठीक है सात अगस्त को म्यांमार का प्रमुख धर्म कौन सा है बच्चा म्यांमार का प्रमुख धर्म है बौद्ध धर्म अगला है प्रिक्सर पुरस्कार को आमतौर पर किस क्षेत्र में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार के रूप में माना जाता है इसको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में वास्तुकला साइंस या फिर आपका आर्ट के क्षेत्र में स्टैटिक के बच्चा देखो पांच से छ लेके चलना कि आपके आएंगे जरूर आएंगे और आज का होमवर्क क्वेश्चन आपका इसी में से ही निकालेंगे देखो ये आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाता है अब आपको ये बताना है इसके पहले भारतीय कौन थे प्राप्तकर्ता पहले प्राप्तकर्ता जो कि एक भारतीय थे ठीक है भारतीय होने चाहिए उनका नाम आप सबको आज के होमवर्क क्वेश्चन में देना है यहाँ पर मैं आपका क्वेश्चन मार्क लगा देती हूँ ठीक है इसको शुरुआत करा गया था बच्चा 1978 में इनमें से कौन सी केरल राज्य की एक पारंपरिक अनुष्ठानिक लोक कला है मंजरी पिथोरा पिथोरा बच्चा कहाँ की है आपकी मैम ये गुजरात की है मंजरी बताना जरा कहाँ की है मरगम कली या फड़ फड़ आपकी राजस्थान की है है ना यहाँ की राजस्थान की है अपना सही जवाब हो जाएगा मरगम कली ठीक है जो कि केरला की है आ, उसके अलावा कलमकारी आंध्र प्रदेश की है मधुबनी आपकी बिहार की है और क्या रह गया आ, जो आपका क्या बोलते हैं बच्चों उसको ज्यादा कपड़ों तो नाम भी नहीं पता फुलकारी आपकी कहाँ की है पंजाब की है ठीक है फुलकारी पंजाब की है बांधनी राजस्थान और गुजरात दोनों में बच्चा चलती है बट मेन राजस्थान आप इसको आगे रखना ठीक है तो आप एक बार मंजरी बताना कहाँ की है मंजरी वाई आई एम एन अथिस्ट पुस्तक के लेखक आपके कौन है Why I am an atheist, ये लिखी गई है भगत सिंह के द्वारा किसके द्वारा भगत सिंह के द्वारा कमसाले किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है तो कमसाले जो है मधुबनी मैम बिहार वेरी गुड बहुत सही ठीक है तो आपका कमसाले कमसाले <coughs> कम हो, जा... हो जाए हो जाएगा बच्चा कर्नाटका का, का ठीक है पश्मीना शोल हाँ एक ये रह गया था भैया पश्मीना कढ़ाई पश्मीना शोल जो है ना, आ, नामक महीन शोल किन बकरियों के अधलोम से बुना जाता है बच्चा ठीक है फाइन शोल कोल्ड पश्मीना शोल इज वोवेन फ्रॉम द डाउन ऑफ विच गोट एल्पाइन बकरी कश्मीरी बकरी जो बोअर बकरी है उससे बच्चा या फिर आपका जमुनापरी बकरी जल्दी से बताइए अरे ये रखना चाहिए आपका आज का होमवर्क क्वेश्चन है ना पश्मीना कहाँ पे फेमस है बच्चा आप कहेंगे मैम कश्मीर में आपका बी ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ठीक है बी इज द राइट आंसर रिकम पाड़ा रिकम पाड़ा एक पारंपरिक नृत्य है यूपी का अरुणाचल प्रदेश का हिमाचल प्रदेश का या फिर आपका मध्य प्रदेश का जल्दी से बताइए ठीक है रिकम पाड़ा कहाँ का एक लोक नृत्य है तो कहाँ का हो जाएगा मैम ये अरुणाचल प्रदेश का हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश राइट आंसर right और चलो आज का हम अपना आखिरी सवाल रखते हैं ये जो कि मैं आपको ऑलरेडी करा चुकी हूं नहीं रे कश्मीरी बकरी लिख लेना उस्ताद बिस्मिल्ला खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाने के लिए प्रसिद्ध थे ठीक है उस्ताद बिस्मिल्ला खान आपका आँ... आजादी के टाइम पर लाल किले पर शहनाई बनाई थी बजाई थी भारत रत्न विजेता है ठीक है भारत रत्न इनको मिला हुआ है जल्दी से बताना किस साल में ठीक है एंड ये सितार बजाते थे तबला शहनाई या फिर आपका संतूर और आज के लिए बच्चा इतना ही कल आपसे चार बजे जो है वो मुलाकात होगी अब हम चलते हैं और आपको जो होमवर्क क्वेश्चन दिया है ठीक है आर्किटेक्ट के क्षेत्र में दिया जाने वाला प्रिजर प्राइज जो है उसको प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे इसका आप सब लोग सही जवाब दोगे दो एंड शहनाई वेरी गुड ठीक है दो एंड शहनाई एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है तो कल अब आपसे मुलाकात होगी टेक केयर एंड बाय बाय